ग्रीन जोन में शामिल गोरखपुर समेत 22 जिलों में गुरुवार को संदिग्धों से कोरोना सैंपल नहीं लिया जाएगा। जहां अब तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। मंडल में गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया अब तक ग्रीन जोन में शामिल हैं, जबकि गोरखपुर मंडल में महाराजगंज और बस्ती मंडल में बस्ती, संतकबीर नगर जिलों में जाँच में और तेजी लाई जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित अन्य मरीजों को इन जिलों में पहचान की जा सके। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि शासन की ओर से यह निर्देश बुधवार को मिले हैं। ग्रीन जोन के जिलों में अब तक कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं, इसकी वजह से प्रशासन ने काफ़ी हद तक राहत की सांस ली है, जिसके बाद शासन ने फैसला किया है कि इन जिलों में बुधवार व गुरुवार को कोरोना जाँच के लिए सैंपल न लिया जाए। उधर बस्ती, महाराजगंज, संतकबीर नगर से ज़्यादा सैंपल लेते हुए जाँच कराई जाए। साथ ही सीएमओ ने बताया कि शासन की ओर से नए निर्देश के बाद जांच का फैसला लिया जाएगा। गोरखपुर व देवरिया से कोई नया सैंपल जांच के लिए बुधवार को नहीं भेजा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोविड-19 का जैसा कि आप सबको भी पता है, बार बार हमने कहा है कि गोरखपुर में आज तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, इसलिए यहाँ कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। अभी तक हम लोगों ने सस्पेक्ट या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस ये सारा मिला के 337 हम लोगों ने PCR टेस्ट कराए हैं गोरखपुर की लैब में, वो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। ये मैं जनवरी से आज तक की फिगर बता रहा हूँ। और अब भी आज ही एक मैसेज प्रमुख सचिव चिकित्सा की आई है कि अगले 2 दिन तक के लिए गोरखपुर में कोई टेस्ट नहीं किया जाना है, चाहे वो रैपिड डायग्नोस्टिक किट से करना हो, चाहे उसे हमें PCR टेस्ट कराना है, उसके बाद अलग से बताया जाएगा कि हमें क्या करना है। तो अभी 2 दिन के लिए हम लोगों ने टेस्ट रोक दिया है और बाकी सारी तैयारियां जैसा पहले भी बताए हैं, सब हमारे COVID-1 हॉस्पिटल, COVID-1 अटैच हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा एक रेलवे का हॉस्पिटल, हमारा 100-बेड TB हॉस्पिटल जो क्वारंटाइन के लिए है 90-बेड का, वो सब तैयार है। जिला अस्पताल में हमारे 23-बेड आइसोलेशन के लिए तैयार हैं और हम अपने अस्पताल में फ्लू क्लिनिक भी चला रहे हैं। 1-2 OPD हम लोगों ने और शुरू की है, जिसमें पीडियाट्रिक्स की OPD है और ऑर्थो की OPD है, बाकी OPD हमने अभी पैरालाइज कर रखा है। प्राइवेट सेक्टर को हमने अनुमति अभी नहीं दी है, उनको केवल इमरजेंसी सर्विसेज देने की अनुमति दी जाएगी, वो भी कुछ मानकों को अगर वो पालन करेंगे, जैसे कि उनकी और उनके स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी हो COVID-19 के संदर्भ में, जो हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग 1000 प्राइवेट पैरामेडिकल और डॉक्टर्स को हम ट्रेनिंग दे भी चुके हैं और उनसे ये कहा गया कि आप अपने छूटे हुए सभी कर्मचारियों को स्वयं ट्रेनिंग दे दें। उनके पास प्रोटेक्टिव सारी चीज़ें, जितने अटायर्स होते हैं, चाहे वो PPE किट हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो और उनको पहन के ही लोग काम करें। हर इमरजेंसी हॉस्पिटल जिसे परमिशन दिया जाएगा उसको एक रूम या से 2-बेड, 4-बेड, 5-बेड जैसी उनके यहाँ भीड़ होती हो का एक अलग रूम रखना होगा, एक अलग कमरा बनाना होगा, जिसपे उन्हें जिसमें सस्पिशन होता है कि हो सकता है ये कोविड पॉजिटिव हो, उसको विद फुल प्रोटेक्शन उस कमरे में रखेंगे। प्राइमरली उसके सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, वहाँ ट्रीट करेंगे प्रोटेक्शन के साथ, और उसका मस्ट है कि वो PCR सैंपल करवाएंगे। PCR सैंपल अगर नेगेटिव आता है तो वो चाहें तो उसको नॉर्मल वार्ड में या मेडिसिन वार्ड में, कार्डियोलॉजी, जहाँ भी शिफ्ट करना चाहते हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक उनको वहीं पर इलाज देना होगा। इन्हीं 3-4-5 शर्तों और बायोमेडिकल वेस्ट का अच्छा निस्तारण, प्रॉपर वे में निस्तारण होना ये आवश्यक है। उनके यहाँ हाथ धोने की फैसिलिटी हो, जगह जगह साइनेजेस लगे हों कि कोविड से कैसे बचें, जो उनके यहाँ पेशेंट आते हैं उनका भी मोटिवेशन करें, उनको मास्क नहीं है तो मास्क प्रोवाइड करें, ये सब शर्तों के साथ उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज देने की छूट दी जाएगी। करीब करीब 60 हॉस्पिटल्स ने अप्लाई किया है, जिसमें 30-40 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मानक पूरा कर रहे हैं, उनको हम आज शाम तक परमिशन दे देंगे कि इमरजेंसी सेवाएं चला सकें। तो गोरखपुर पूरी तरह से सुरक्षित है अभी भी और भविष्य में भी उम्मीद है कि सुरक्षित रहेगा, और हम लोग विजिलेंट हैं, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है और हम लोग इस पर निगाह बनाए हुए हैं।
कोरोना से बचाव के लिए आम जनमानस से भी कुछ अपील करना है? आम जनमानस से हम सबकी बार बार यही अपील है कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, 1 मीटर से कम की दूरी से किसी से बात नहीं करें, उतना फासला रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। 3 मई तक प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है लॉकडाउन का, उसका पालन करें, घरों में रहें। प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि लोगों के डोर स्टेप पे दवाई की सप्लाई हो रही है, डोर स्टेप पे फूड की सप्लाई हो रही है, सब चीज़ें उनको ऑनलाइन मिल रही हैं, इसलिए घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। और हाथ धोना एक बहुत ही अच्छी आदत है, ज़िंदगी भर के लिए अगर इसको पाल लें कि बार बार हाथ धोएं, हाथ बिना धोए हुए अपने मुँह आँख नाक को ना छुएं, तो कोरोना से बहुत हद तक बच सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि उनको भी बचाव है, और अगर उन्हें खांसी जुकाम है, सामान्य खांसी जुकाम ही सही, तो उनसे दूसरों को भी बचाव होगा। जब तक बहुत आवश्यक ना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, हमने टेलीमेडिसिन की व्यवस्था शुरू की है। टेलीमेडिसिन का उपयोग करके आप सलाह ले सकते हैं। ये अवश्य है कि अगर इमरजेंसी है तो हमारी सारी इमरजेंसी सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और PSC और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महिला अस्पताल में ये खुली हुई हैं, चालू हैं। आप 108 को कॉल करके वहाँ आ सकते हैं और सेवाएँ ले सकते हैं।